आज हम आपको सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अंतर बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनमें क्या अंतर है ये भेद करना बहुत आवश्यक है, ये जानना अति आवश्यक है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी सिंपल रिएक्शन होगी और कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कई बार यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की परीक्षाओं में, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम एक टेबल से आपको इसको समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये एक टेबल है, सरल और जटिल अभिक्रियाओं में अंतर क्या है। एक तरफ हमने सरल अभिक्रियाएं लिखी है सिंपल रिएक्शन, दूसरी तरफ हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी। क्या अंतर है? जो सिंपल रिएक्शन होती है वो एक ही पद में संपन्न होती है, एक स्टेप में संपन्न होती है। जैसे पहला पॉइंट नंबर एक लिखा है हमने, ये एक पद में संपन्न होती है सिंपल रिएक्शन, जबकि जटिल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कई पदों में संपन्न होती है, यानी एक से अधिक पदों में संपन्न होती है जटिल अभिक्रियाएं। पहला अंतर तो आपको ये लिखना है। दूसरा अंतर, इसमें कोई साइड पैरेलल रिएक्शन नहीं होती, मतलब इसमें कोई जो पार्श्व अभिक्रिया है कह सकते हैं या साइड रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें कोई अन्य साइड रिएक्शन नहीं होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अनेक पैरेलल रिएक्शन मेन रिएक्शन के साथ साथ अन्य साइड रिएक्शन भी संपन्न होती है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, इसमें जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से बनता है, मतलब रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज होता है, इसमें जो सिंपल रिएक्शन है। लेकिन यहां रिएक्टेंट से सीधा उत्पाद नहीं बनता, यह कई पदों के बाद उत्पाद बनता है। इसमें केवल एक पद में संपन्न होती है तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई पदों में संपन्न होने के कारण से रिएक्टेंट डायरेक्ट उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है, कई पदों से उसे गुजरना होता है, उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। नंबर चार, सिंपल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से मेल नहीं खाता। जो साधारण अभिक्रिया होती है, सरल अभिक्रिया होती है, इसमें जो वेग स्थिरांक है उसका प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थ्योरेटिक वैल्यू निकालते हैं सैद्धांतिक मान निकालते हैं, दोनों में मेल नहीं खाते, दोनों में अंतर है, दोनों में मेल खाता है। सॉरी, प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों ही लगभग लगभग समान होते हैं रेट कांस्टेंट, परंतु ये इस अभिक्रियाओं में रेट कांस्टेंट प्रायोगिक मान उसके सैद्धांतिक मान से भिन्न होता है। सिंपल अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट प्रायोगिक मान और उसका सैद्धांतिक मान लगभग समान ही होते हैं, पुनः सुन लीजिए, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट कांस्टेंट प्रायोगिक मान और उसका सैद्धांतिक मान दोनों में अंतर होता है, भिन्न होता है। अगला अंतर है, अभिक्रिया वेगों के सिद्धांत सरल अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं। क्या समझे? जितने भी थ्योरी है रेट अभिक्रिया वेग की, जितने भी सिद्धांत है, चाहे आरणी सिद्धांत हो, चाहे अन्य सिद्धांत हो, चाहे एब्सोल्यूट रेट थ्योरी हो, चाहे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो, चाहे आर्निश थ्योरी हो, वो सारे के सारे वेग सरल अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं, परंतु अभिक्रिया वेगों का जो सिद्धांत है पूर्ण रूप से जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से जटिल अभिक्रियाओं पर अभिक्रिया वेगों के सिद्धांत जैसे आर्निश सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कॉम्प्लेक्स सिद्धांत, ये पूर्ण रूप से जटिल अभिक्रियाओं पर लागू
नहीं होते। अगला अंतर छठा, इसमें केवल एक ट्रांजिशन अवस्था बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है। मतलब अभिकारक उत्पादन बदलेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी, यहां ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो यहां केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जबकि इन अभिक्रियाओं में इसमें कई ट्रांजिशन स्टेट बनती, कई संक्रमण अवस्थाएं बनती, मतलब क्योंकि एक से अधिक पदों में होती तो संक्रमण अवस्था भी एक से ज्यादा होगी। तो यहां केवल एक ही ट्रांजिशन अवस्था बनती है, इसमें कई ट्रांजिशन अवस्था संक्रमण अवस्थाएं बनती। जैसे मैंने आपको इसमें एक दिखाया, यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो वहां ट्रांजिशन स्टेट एक से ज्यादा बनेगी। ये ट्रांजिशन स्टेट टीएस वन, ये टीएस टू, और ये माध्यमिक योगी, इंटरमीडिएट योगी। इसमें के लिए एक ट्रांजिशन अवस्था है, उसमें एक से ज्यादा ट्रांजिशन अवस्था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती। अगला जो अंतर है सातवां, इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है, कोई माध्यमिक योगिक इनमें नहीं बनता है। ये देख लीजिए, इसमें कोई माध्यमिक योगिक नहीं बना है। ये रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होता है और ट्रांजिशन स्टेट उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जो अभी मैंने आपको समझाया, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, माध्यमिक यौगिक बनता है। जबकि सरल अभिक्रियाओं में माध्यमिक यौगिक नहीं बनता है। जो लास्ट है, जो सिंपल रिएक्शन होती है, जो सरल अभिक्रियाएं होती है, उसमें कोटि बहुत कम होती है। कम होती मतलब प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, अधिकतम तृतीय कोटि की हो जाती, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोटि की संख्या अधिक होती है, मतलब तीन से भी ज्यादा। तो जटिल अभिक्रियाओं में कोटि की संख्या ज्यादा होती है, तीन से ज्यादा होगी, और इसमें एक दो तीन भी हो सकती है, लगभग तीन से ज्यादा नहीं होती सिंपल अभिक्रियाओं में। क्लियर? ये था सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अंतर, जटिल अभिक्रियाओं में अंतर। ये आठ पॉइंट है, आप आठ पॉइंट देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे स्पष्ट हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया सरल अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है। तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच।